स्वागत है आप सभी का न्यू लाइफ टिप्स की एक और वीडियो में। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आज देश भर के मौसम का हाल। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में अपने जिले का नाम जरूर बताएं, जिससे कि हम आपको डेली अपडेट करा सकें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना न भूलें। आपको बता दें, उत्तरी राज्यों खास तौर से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पिछले एक हफ्ते से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसके कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर प्रदेश में अगले 48 घंटों में बारिश हो सकती है, जिसके कारण अगले सप्ताह राज्य में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। वहीं राजधानी लखनऊ में शनिवार को भी बारिश हुई। वहीं ठंड पड़ने के कारण लोग घरों में ही दुबके रहे, आवाजाही कम देखने को मिली। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तराखंड और पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी और बारिश का असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के कई इलाकों में शनिवार को बर्फबारी हुई और इसके कारण राज्य में ठंड बढ़ गई। आमतौर पर मकर संक्रांति के बाद धीरे धीरे ठंड दूर होने लगती है, लेकिन इस बार मौसम ने करवट ले ली है, जिसके कारण लोगों को ठंड से जूझना पड़ रहा है। फिलहाल मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले एक सप्ताह तक लखनऊ समेत पूरे प्रदेश के कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। वहीं अगले 48 घंटों तक तेज हवा और गरज के साथ प्रदेश में बारिश हो सकती है, जिसके कारण ठंड में इजाफा हो सकता है। हालांकि शनिवार को राजधानी लखनऊ समेत आसपास के जिलों में बारिश हुई, जिसका असर जनजीवन पर देखने को मिला। फिलहाल मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ने की आशंका जताई है और विभाग के निदेशक जेपी गुप्ता के मुताबिक अगले 48 घंटों तक पूरे प्रदेश में शीतलहर होगी। उनका कहना है, राज्य के लखनऊ, मुरादाबाद, आगरा, कानपुर, झांसी, गोरखपुर जिलों में ठंड बढ़ जाएगी। साथ ही बारिश के कारण दिन के तापमान में सामान्य से 2-3 डिग्री की गिरावट आएगी और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी के कारण रात में ठंड कम होगी। यूपी के साथ ही उत्तराखंड में ठंड का कहर जारी है और राज्य के कई इलाकों में बर्फबारी हुई है, जिसके कारण मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड में बर्फबारी और बारिश का दौर जारी है। राज्य में शनिवार को पूरे राज्य में दिन भर बादल छाए रहे। मसूरी, नैनीताल, चारधाम समेत अनेक चोटियों पर बर्फबारी हुई, जबकि निचले इलाकों में आए दिन बारिश हो रही है। राज्य के मौसम को लेकर विभाग का कहना है कि पहाड़ी जिलों में रविवार को भी बर्फबारी जारी रह सकती है और मैदानी इलाकों में छिटपुट जगहों पर बारिश ओलावृष्टि की संभावना जताई जा रही है। तो ये थे आज के समाचार के अपडेटेड वीडियो। कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।